आजकल के चुनावी माहौल में कांग्रेस को लेकर चर्चाएं हैं कि कुछ खबर क्यों नहीं आ रही। दिल्ली के दरबार से कांग्रेस कितना और मंथन करेगी। हरियाणा में आप पार्टी के साथ हुए गठबंधन के बाद एक सीट दी गई, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर नहीं लगा पा रही। इस पर मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए बेचैनी होना लाजमी है। इसी बेचैनी का जवाब जानने के लिए जगत महान मीडिया संस्थान निरंतर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से संपर्क कर अंदर की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर देरी किस बात की। ऐसे माहौल में नहीं लग रहा कि चुनावी पारा चढ़ गया है, क्योंकि जब तक मुकाबले में दूसरा प्रत्याशी ललकारता नहीं तब तक जनता भी अपनी राय नहीं बना पाती। इस कड़ी में जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से दिल्ली पार्टी कार्यालय में बात कर टिकटों की घोषणा और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। चुनावी माहौल है और जगत महान लगातार अलग अलग राजनेताओं से, अलग अलग राजनीतिक दलों के मिलकर उनके जो मुद्दे हैं वो फील्ड में किस तरह से जाएंगे उनको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और लंबे टाइम से इनका अनुभव है। जितेंद्र भारद्वाज जी, चुनावी माहौल बड़ा मतलब वैसे तो हॉट हो गया है, लेकिन कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों को मैदान में लेकर नहीं आ रही। लोग वेट कर रहे हैं कि लेट होगी, और ये सवाल मेरा कईयों से लेट नहीं हो रहे। अच्छा, बीजेपी के भी किसी का कैंडिडेट जो डिक्लेयर भी हो गए, चाहे गुड़गांव हो गए, कहीं भी हो, अभी किसी ने काम स्टार्ट नहीं किया। हमारा क्योंकि छठे फेज में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा की तरह डिक्टेटरशाही पार्टी नहीं है कि जिसको चाह दो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसको यहाँ से उसको वहाँ से। हमारे यहाँ प्रॉपर वे में सबसे हमने आवेदन लिए, आवेदन लेने के बाद स्टेट की स्क्रीनिंग कमेटी बनी, फिर स्टेट में सेंटर की स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्ताव भेजे, फिर वो आगे तीन तीन के पैनल बना के या दो दो के पैनल बना के या सिंगल जहाँ बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं है वो पैनल बना करके जिसको जो संभावित जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो केंद्र को भेज रहे हैं, फिर केंद्र की वो फेज वाइज ले रहे हैं। पहले उन्होंने दो फेज क्लियर किए, अब तीसरा और चौथा फेज क्लियर हुआ है, अब आगे पाँचवा छठा फेज। इसी तरह से फेज वाइज हमारा पार्टी का सिस्टम चल रहा है। लेकिन इस सिस्टम को ना मतलब लोग ये मान रहे हैं कि अपने पुराने ट्रैक से, ट्रेंड से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि समय बदला तो भारतीय जनता पार्टी आपके मुकाबले में आकर खड़ी हो गई। एक दशक से वो सत्ता में है, बेशक आप उन पर कितने आरोप लगाओ, जीतने का जो उनका तरीका है या कैंडिडेट को मैदान में उतरने का तरीका, तो कांग्रेस अपना ट्रेंड चेंज क्यों नहीं करती? ठीक है, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अच्छी बात है। तो सत्ता में रहना और नहीं रहना ये लोकतंत्र है, जनता ने तय करना है। लेकिन राज करना और दिलों पर राज करना दो बातों में अंतर। मोदी जी देश के ऊपर राज कर रहे हैं, एक वर्ग के हो सकता है वो दिलों में भी राज कर रहे हो क्योंकि उनको वो सूट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सबकी बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और विश्व स्तर पर सबका समन्वय बना करके चलने वाली पार्टी है। ठीक है, वो आंकड़ों के हिसाब से सत्ता में आज बैठे हुए हैं, हम सत्ता से बाहर है, ऐसा भी समय था जब भाजपा दो सीटों पर थी, ये तो वक्त वक्त की बात होती है, हम ये नहीं कहते। लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे जो 70 साल में हमने बनाया, क्या वो 70 साल के मुकाबले में अपने 10 साल के 10 काम भी गिनवा सकते हैं कि उन्होंने देश के लिए कोई ऐसे विशेष कार्य किए हो? वो आज मंदिर को मुद्दा बनाते हैं, मंदिर में हम भी सनातनी हैं और मैं समझता हूँ कि अगर सनातन पर बहस करने बैठेंगे तो शायद वो लोग सनातन पर बहस पर जवाब भी ना दे पाए। लेकिन क्या उससे हमें रोज़गार मिले? जो मोदी जी ने देश को विकास के लिए इन्वेस्टमेंट लानी थी, क्या इन्वेस्टमेंट आई? कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप ही बताएं, आप पत्रकार हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मुझे ना पता हो? क्या उन्होंने फिर एक अपना एक चिन्ह बनाया शेयर वाला, जिसमें उन्होंने कहा स्वराज अपने देश के उद्योग हम लगाएंगे? कौन सा ऐसा उद्योग है आप बता दें कि हमने देश के अंदर ऐसा बड़ा उद्योग लगा दिया जिससे लाखों रोजगार मिले हो? 2 करोड़ रोजगार की बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो हम करते हैं, कोई भी बात, महंगाई दर बढ़ रही है, कुछ भी, पेट्रोल वो कहते थे कि हम 35 रुपये ले आएंगे, बाबा रामदेव सारे दिन हाथ पैर हिलाते हिलाते ये बोलते थे कि 35 रुपये डीजल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जो ये गिनवा सकें कि हमने देश के लिए उपलब्ध? कांग्रेस लगातार जो आपने बात कही सारी सभी की रटे रटाई यही जवाब है, लेकिन भिड़न तो ऐसी हो कि लगे कांग्रेस को कि मुकाबला कर रहे हैं। आपकी पार्टी के जितने लोग आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हमने किया है, आपके सारे साथी छोड़कर जा चुके हैं, उनको वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया। देखो, जिसको उन्होंने गिरना है, एक कहावत है, होशो की बात है, सोए हुए आदमी को आप जगा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग करता है उसको आप जगा नहीं सकते।
अगर किसी ने गलत कार्य किया है वो उसको फंसा रहे हैं, किसी को जान के फंसा रहे हैं, उनको कोई भी लोकप्रिय नेता नजर आता है उसके ऊपर फंसी केस बनवा देते हैं। कुछ खुद में खराब थे वो फंस गए, कुछ को वो जबरदस्ती फंसाते हैं। तो कहने का मतलब उनका तो मकसद ये है यदा कदा जैसी भी हो सत्ता ले ली। लेकिन जब ये तो जैसे मैं बता रही थी भाई बीजेपी में चले गए, जब शासन आपका आने लगेगा या आपकी पार्टी का रुख हवा चेंज होती है, या मैं गठबंधन की बात करूँ, फिर वही लोग इधर आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने वीरेंद्र सिंह का उदाहरण लिया, जाना है ब्रजेंद्र सिंह आ गए आपके पास, फिर आपको लगता है कि भाई हमारा तो कुंबा बढ़ गया। जो लोग हिसार में लंबे टाइम से बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाए, ये सवाल हमारे सामने आता है। भूपिंदर सिंह जी का एग्जाम्पल है, वो तो पुराने कांग्रेस, मैं हरियाणा की बात, वो तो पुराने कांग्रेसी थे, वो वापस आए हैं। लेकिन आप जो बोल रहे थे कि जो लोग मतलब सत्ता बदलने के बाद धर्म लेते हैं, बीजेपी ने जबरन सत्ता परिवर्तन करा, जबरन धर्मांतरण, जबरन सत्ता परिवर्तन मतलब पार्टी चेंज कराना अलग बात होती है। आप 60 साल में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दें, हमारे सत्ता में रहते हमने किसी CBI वाले मुकदमे के आदमी को अंदर लिया हो, हमने जैसे ही हमारी सरकार थी, चाहे वो ए राजा रहे हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर रहा हो, हमने मिनिस्टरों को जेल तक की। इनके सरकार के टाइम में किसानों को रौन दिया, 750 किसान मर गए, कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई, क्या एक भी मंत्री ने अपनी जिम्मेवारी लेकर के रिजाइन दिया, क्या एक भी आदमी को इन्होंने जेल के अंदर डाला? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दो मोदी जी ने भ्रष्टाचार में अपने किसी बीजेपी के नेता को अंदर जेल में डाला हो, सिवाय अपोजिशन के। जो भी स्ट्रांग अपोजिशन लीडर लगता है, या तो उसकी पार्टी को तोड़ देंगे, या MLAs को खरीद लिया जाता है, या MPs को खरीद लिया जाता है। कहने का मतलब ये तो धन बल की सरकार है, आर्थिक युग की सरकार है, दो ऊपर दो नीचे, दो उद्योगपति दो नेता, इन चार लोगों की सरकार है और पूरा देश को उन्होंने काबू कर लिया सिस्टम के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी, ये थे भारद्वाज जी हमारे साथ। मैं इनसे पहले भी मिली और इनसे मतलब बड़े मुद्दों पर बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखते हैं। देखते हैं कि आने वाले चुनावों में इनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।